नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से कुछ नक्षत्र आपके लिए लाभकारी हैं, कुछ नक्षत्र आपके लिए हानिकारी हैं। जैसे कि अगर हम नक्षत्रों का ग्रुप बनाए तो तीन तीन नक्षत्रों का ग्रुप बन करके एक चक्र बनता है, जिसमें जन्म तारा, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध और मित्र अतिमित्र ताराएं आती हैं। देखिए, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। यहाँ पर आप कैसे इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, कोई वस्तु है, तस्वीर है, कोई कलर है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने ऑफिस या घर में जोड़ लें, फोटो रखें, तस्वीर रखें, कलर कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कौन सी चीज़ें निगेटिव वाइब्स ला रही हैं, ये मूल विषय यहाँ पर आपको मैं नक्षत्रों के माध्यम से समझाऊँगा। आपको ये समझना है, ये 9 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। जन्म नक्षत्र जो होता है वह, और 2 नक्षत्र और हर विभाग में 3-3 नक्षत्र आएंगे। तो जन्म नक्षत्र हमें कर्मों का फल देता है, संपत नक्षत्र हमें संपत्ति, आर्थिक सुधार, वृद्धि प्रदान करता, विपद विपत्ति देगा, क्षेम कल्याण करेगा, प्रत्यय जो है कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा, साधक हमसे मेहनत करवाएगा और हमारे कार्यों को साधेगा, वध किसी घटना का, व्यवसाय का, रिलेशनशिप का अंत दिखाएगा, मित्र तो मित्र है, अतिमित्र उससे भी बड़ा मित्र है। अतिमित्र, मित्र और अतिमित्र में क्या अंतर है? मित्र मतलब जो आपके सुख दुख में नॉर्मली काम आ जाए। अतिमित्र कौन है कि जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जैसे आप हमारे मित्र हैं तो हमारे साथ उठना बैठना, ज़रूरत पड़ी, लेन देन पैसे का, ये सब किए। अतिमित्र जो होगा आप उससे कहेंगे चलो कहीं लड़ाई करना, मार करना, उसको पता है कि हाँ कानूनी दाव पेश में फंस सकते हैं लेकिन फिर भी कहेगा चलो, तो वो अतिमित्र हो गया। जो कुछ भी नहीं सोचेगा आगे पीछे का, हमेशा आपके साथ लगा रहेगा, वो अतिमित्र, और कुछ सोच विचार के करेगा तो वो मित्र हो गया। करना क्या है आपको, 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 नक्षत्रों में पहचान करना है कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए किस कैटेगरी में आते हैं, और उस नक्षत्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनको आकलन करना है। मान लीजिए कि कोई नक्षत्र आपके लिए विपद तारा में आ गया, अब उस विपद तारा वाले नक्षत्र की कोई चीज़ आपने अपने ऑफिस में या घर में लगा रखी है तो माहौल हमेशा गड़बड़ रहेगा। कोई नक्षत्र आपके संपत तारा में आ रहा है और उस संपत तारा वाली नक्षत्र की जो वस्तुएं हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो आपके पास नहीं उपलब्ध है, तो आप एक पॉजिटिव वाइब्स से चूक जा रहे हैं। तो यही आज मैं सिखाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा वो जन्म तारा का होगा। जन्म तारा कहाँ से शुरू करेंगे गिनना, पहला नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी भरणी, यहाँ से नहीं गिनेंगे क्योंकि यह मैनुअली हर कुंडली के लिए बात लागू होगी। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वह नक्षत्र आपके लिए पहला है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक कुंडली में चंद्रमा को मान लेते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, किसी की कुंडली में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद में हो गया तो इस कुंडली के अनुसार उत्तरा भाद्रपद जो है ये इनके जन्म तारा में आएगा। अब उत्तरा भाद्रपद के बाद जो दूसरा नक्षत्र पड़ता है वह किस में आएगा, संपत में। नक्षत्रों का टेबल आप गूगल कर लीजिए या आपको पता होगा 27 नक्षत्र क्रम से होते हैं, तो जन्म का पहला नक्षत्र हो गया जिसमें चंद्रमा है वो जन्म तारा में। ठीक, जन्म नक्षत्र के बाद जो दूसरा नक्षत्र है वह किस में आ जाएगा, संपत तारा में। अब उत्तरा भाद्रपद के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, रेवती आता है, तो रेवती इनके लिए कौन सा नक्षत्र बनेगा, संपत।
रेवती के बाद जो तीसरा नक्षत्र आता है वह इनके लिए क्या बनेगा, विपत। रेवती के बाद कौन सा आ जाता है, अश्विनी। फिर उसके बाद जो अगला नक्षत्र आएगा वह इनके लिए क्या बनेगा, क्षेम तारा में आ जाएगा, भरणी। अश्विनी के बाद भरणी, भरणी के बाद जो अगला नक्षत्र है वह इनके लिए किस में आ जाएगा, प्रत्यय में। जो कि भरणी के बाद कौन सा नक्षत्र आ जाता है, कृतिका। फिर अगला जो नक्षत्र होगा कृतिका के बाद क्या आ जाती है, रोहिणी। यह इनके लिए साधक तारा में हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, इसी प्रकार से किसी भी नक्षत्र में जन्म है तो आप कैलकुलेट करेंगे। वध तारा में अब यहाँ पे कृतिका हो गया, रोहिणी हो गई, तो मृगशिरा आ जाएगा वध तारा में। फिर अगला देख लेंगे, मित्र तारा में कौन सा आ जाएगा, मृगशिरा आ गया वध में, तो मृगशिरा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, आद्रा आता है। तो आद्रा इनका हो गया मित्र, और आद्रा के बाद क्या आता है, पुनर्वसु। ये हो जाएगा इनके लिए अति मित्र। फिर जब यहाँ नौ नक्षत्र पूरे हो गए पुनर्वसु के बाद फिर क्या आता है, पुष्य। तो फिर यहीं से रिपीट होगा, पुष्य नक्षत्र किस में आ जाएगा, जन्म तारा में। पुष्य के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, अश्लेखा, वो आ जाएगा संपत तारा में। यानी ऐसे 27 नक्षत्र 3 बार रिपीट कर लेना है और जान लेना है कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए किस तारे में आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके लिए ये विपत तारे में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र विपत तारे में आ रहा है। अश्विनी नक्षत्र जो है यह लगभग कैसे बनता है, अश्विनी मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्विनी कुमार इसके स्वामी हैं। किसी भी नक्षत्र की आकृति गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो अगर ये विपत नक्षत्र में है, ये अपने घर में ऑफिस में अश्विनी कुमार से जुड़ी हुई चीज़ें ना रखें, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र किस में आ रहा है, विपत में इनके लिए आ रहा है। तो घोड़े की तस्वीर रखना, चाहे मूर्ति रखें, फोटो रखें, ऐसी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए, उससे निगेटिव वाइब्स क्रिएट होंगी। और अगर जैसे भरणी नक्षत्र इनके लिए किस में है, क्षेम तारा में। क्षेम मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। तो अगर ये पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना चाहते हैं तो जो जो नक्षत्र संपत तारा में पड़ रहे हैं उन नक्षत्रों से जुड़ी हुई चीज़ें, तस्वीरें अपने ऑफिस में, घर में, अपने आसपास रखें। क्षेम मतलब कल्याण, भरणी नक्षत्र इनका क्षेम में आया तो भरणी नक्षत्र से जुड़ी हुई चीज़ें अपने पास रखें। प्रत्यय मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना। तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र प्रत्यय में आया है, तो कृतिका नक्षत्र का जो स्वरूप है, जो कृतिका नक्षत्र की वस्तुएं हैं क्या हैं, ये आप गूगल कर लेंगे, पता चल जाएगा। कृतिका नक्षत्र की वस्तुएं, कृतिका नक्षत्र का स्वरूप, कृतिका नक्षत्र का रंग, ये सब जान जाएंगे। तो जो प्रत्यय तारा में आ गया उसकी चीज़ों को दूर करें खुद के पास से। इसी प्रकार से साधक में कौन सा आ रहा है, रोहिणी आ रहा है। रोहिणी के स्वामी कौन होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। रोहिणी के स्वामी कौन है, ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी की तस्वीर अपने घर में रख सकते हैं, ब्रह्मा जी का कोई मंत्र लिख करके लगा सकते हैं अपनी ऑफिस में, वो इनके लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा। ना ही तस्वीर रखें, मंत्र लिख करके स्टिकर से घर में या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में लगाने से भी मदद मिल जाएगा। वध तारा में कौन सा आ रहा, मृगशिरा नक्षत्र इनके लिए वध तारा में आ रहा। मृगशिरा का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई तस्वीर इनको घर में या ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार से सबसे अच्छा तारा कौन सा होता है, जो अति मित्र है। यह हर स्थिति में आपका साथ देता है, हर स्थिति में जो भी अति मित्र तारा आएगा वह आपका साथ देगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि अति मित्र तारा कौन सा आया हुआ है। यहाँ पर अति मित्र में कौन सा है, पुनर्वसु है। पुनर्वसु, अदिति, अदिति इसके क्या होते हैं, देवता होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। पुनर्वसु नक्षत्र अदिति है इसके स्वामी, और इसके ग्रह कौन से होते हैं, बृहस्पति होते हैं। देव गुरु इसके स्वामी है बृहस्पति। तो
आपके सबसे अच्छे मित्र कौन होंगे? जो गुरु समान व्यक्ति हैं वो अति मित्र होंगे, वो आपकी हर स्थिति में सहायता करेंगे। गुरु ग्रह की फोटो आप अपने घर में रख सकते हैं, अपनी ऑफिस में रख सकते हैं। यानी यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, ये जो नक्षत्र आ रहे हैं, एक तो इन नक्षत्रों के स्वामी होंगे जो कि नवग्रह में से कोई ना कोई होंगे, नवग्रह स्वामी होंगे, और इन नक्षत्रों के कोई ना कोई देवता होंगे। तो क्या है कि जो नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं, उन नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं और जो देवता हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप अपने जीवन में बढ़ा करके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो खराब है, जैसे विपत, यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र विपत में आया, खराब है, तो क्या करना है, अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उसकी चीज़ों को दूर रखिए, और उसके जो देवता हैं उनकी तस्वीर वगैरह से दूरी बना के रखिए, तो जीवन में निगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे। अब जैसे इसी में देखिए, मृगशिरा नक्षत्र किस में आ रहा है, वध तारा में आ रहा है। तो आप गूगल करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र कैसा है, क्या है, आइडिया मिल जाएगा, मैं आइडिया दे भी रहा हूँ आपको। मृग मतलब क्या होता है, हिरण, और शिरा मतलब होता है सिर। हिरण के सिर जैसी कोई चीज़ इनके लिए वध तारा में आती है, यानी सींग वाली चीज़ें। मृग के ऊपर सींग हो, बारहसिंघा टाइप में कई सारे सींग निकले हों, या मृग हो, कोई भी हिरण की तस्वीर हो जिसके सिर पे कुछ भी रखा हो, तो वह इनके लिए निगेटिव वाइब्स क्रिएट करेगा। यानी कोई भी जानवर जिसके सिर पे कुछ बना हो, आकृति हो, ऐसी चीज़ों से इनको दूर रखना है। ऐसा कॉपी ना खरीदिए, रजिस्टर ना खरीदिए जिसके ऊपर कोई हिरण हो, मृग जैसी चीज़ें छिपी हुई हो। इसी प्रकार से विपत तारा में अश्विनी है, तो कोई ऐसी कॉपी ना लीजिए जिसके ऊपर घोड़े का चित्र छपा हुआ हो। कपड़े लेना है, कर्टेन लेना है, हर जगह ऐसी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करना है, जो आपका अति मित्र आएगा, मित्र आएगा, संपत आएगा, क्षेम आएगा, उन नक्षत्रों के बारे में रिसर्च करिए। उन नक्षत्रों से कौन सा ग्रह देखते हैं, कौन ग्रह स्वामी है, उन नक्षत्रों की आकृति कैसी है उसको समझने का प्रयास करिए। उन नक्षत्रों से कौन सी राशियां बन रही हैं उनको देखिए, वो सारी चीज़ें अपने जीवन में शामिल करिए। मान लीजिए कहीं बन गई कर्क राशि, नक्षत्र से कर्क राशि आ गया, तो कर्क मतलब क्या होता है, जल होता है, तो आप लोगों को जल डिस्ट्रीब्यूट करके लाभ उठा सकते हैं। कहीं कुंभ आ गया, तो कुंभ मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, कोई बर्तन होता है जिसमें चीज़ें सहेज के रखी जाएं, तो आप अपने घर में गुल्लक एक रख लीजिए, वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। जन्म नक्षत्र से लेकर के 27 नक्षत्रों का आकलन कर लीजिए, जो भी नक्षत्र आपके लिए नुकसानकारी हो रहे हैं उन नक्षत्रों से जुड़ी हुई चीज़ें ऑफिस से, घर से, अपने पास से दूर रखना है। अब मान लीजिए मृगशिरा आ गया, विवध तारा में है, अब किसी ने टी शर्ट खरीद लिया, टी शर्ट पर ही कोई सिंह जैसी आकृति लिए हुए जानवर या हिरन प्रिंटेड है, मृगशिरा वाला सिंबल आ गया उसी टी शर्ट पे, अब वहाँ पे वो टी शर्ट उनके लिए निगेटिव वाइब्स क्रिएट करेगा। वो कभी भी जब लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका एक प्रयोग क्या है, जिसको आप दशा अंतरदशा में सही कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो वर्तमान में दशा चल रही है, वह दशा आपको अशुभ प्रभाव दे रही है, तो आपको यह देखना पड़ेगा जो दशा चल रही है जिस ग्रह की, वह ग्रह किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, और उससे कौन सी तारा बन रही है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अभी करेंटली किसी की गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु उनकी कुंडली में संपत तारा में बैठा हुआ है, किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो संपत तारा में आ गया, तो गुरु की चीज़ों को बढ़ा करके गुरु की दशा को ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। मान लीजिए वही गुरु प्रत्यरी तारा में बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो गुरु की चीज़ों को बढ़ाने से क्या होगा, गुरु अगर अशुभ फल दे रहा है तो और अशुभ फल देने लग जाएगा।
यानी अगर कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वह किस नक्षत्र में है नवतारा चक्र के अनुसार। अगर वह ग्रह आपके लिए अच्छा है, कुंडली से कारक है, पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो उसकी चीज़ों को बढ़ा करके ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। वहीं मान लीजिए वह ग्रह आपके लिए अशुभ है, नकारात्मक प्रभाव देने वाला है, तो उसकी चीज़ों को जीवन में बढ़ाना नहीं चाहिए, उसकी चीज़ों को थोड़ा उसकी दशा तक दूर रखना चाहिए। दूसरा चीज़, मान लीजिए किसी ग्रह की महादशा चल रही है, गुरु की ही चल रही है महादशा, और कुंडली में गुरु जो है विपत तारा में है, जो 27 नक्षत्र डिवीजन की है उसमें गुरु विपत तारा में आ गया, गुरु की महादशा है, और गुरु में जिसकी अंतरदशा आ रही है, मान लीजिए बुध की आ रही है, और बुध वध तारा में आया है, तो ये समय आपके लिए खराब रहेगा। इसको मैं समझाता हूँ। एक ग्रह की महादशा रहेगी और एक ग्रह की अंतरदशा रहेगी। जब महादशानाथ, जिसकी महादशा चल रही है वह, या फिर जिसकी अंतरदशा चल रही है, उसमें मिलाएंगे कि अगर महादशा और अंतरदशा दोनों का कॉम्बिनेशन विपत तारा में प्रत्यरि तारा या वध तारा में बन रहा है, यानी महादशा या तो विपत प्रत्यरि वध तारा वाले ग्रह की हो, या अंतरदशा इन्हीं में से किसी एक की हो, महादशा अंतरदशा दोनों इनसे टच होंगे, तो उस समय में आपके जीवन में बवाल होगा, बवंडर आएगा, परेशानियां आएंगी। जिसकी महादशा चल रही है वह संपत तारा में है, क्षेम तारा में है, साधक में है, मित्र में, अति मित्र में है, और जिसकी अंतरदशा चल रही है वह भी इन्हीं में से किसी तारा में बैठा हुआ है, तो उसकी दशा में आपको लाभ मिलने की संभावना है, और इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, ज़्यादा लाभ लेने के लिए, वो आपको फिर से उसी नियम पे जाना है। महादशा जो है विपत वाले की है, अंतरदशा वध वाले की है, तो उस समय अवधि में आप क्या करिए, जो आपके मित्र अति मित्र हैं इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व अपने जीवन में बढ़ा दीजिए, उन नक्षत्रों की चीज़ों को ज़्यादा शामिल कर लीजिए, और जो विपत में है, वध में है, उन नक्षत्रों से जुड़ी हुई चीज़ें दूर करिए, सिंबल से दूर रहिए, रंगों से दूर रहिए, तो दशा अंतर दशा में कम परेशानी आएगी। मान लीजिए अब चाकू है, अब ये मूल नक्षत्र मतलब क्या होता है, जड़ होता है, मूल मतलब क्या होता है, जड़। इसी प्रकार से हर नक्षत्र का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता ही होता है। अब जैसे मूल नक्षत्र जो है, इसके जो स्वामी है वो राक्षस है, ठीक, और ये जड़ वाली चीज है, तो मूल नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशांतर दशा चल रही है, तो आपको आपकी जो समस्याएं होंगी वो कहीं जड़ में, रूट में, कहीं वो जो काम है, जो काज है, उसका जहाँ से उत्पत्ति हो रहा है, जड़ जहाँ पर है वहाँ पर समस्याएं हैं, ऊपरी स्तर पे समस्याएं नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी नक्षत्र से मान लीजिए चाकू या काटने पीटने वाला यंत्र बन गया है और वह ग्रह शुभ फल दे रहा, तो उस दशावधि में धारदार चीज़ों से खुद को दूर रखिए। तो हर नक्षत्र का एक प्रतीक चिन्ह है, उसी हिसाब से आप जजमेंट करके चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पास रखनी है, कौन सी चीज़ दूर करनी है। उम्मीद है नक्षत्रों से ये विषय वस्तु समझ में आया होगा। शेष रिसर्च जो आप करेंगे, निकालेंगे, उसमें देख लीजिए कौन सा नक्षत्र संपत में है आपके लिए, क्षेम में है, साधक में, मित्र अति मित्र में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, उन नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनको देख लीजिए। जो भी नक्षत्र आए उन नक्षत्रों को गूगल करिए, उनका स्वरूप क्या है, रंग रूप क्या है, उनकी वस्तुएं क्या है, उनको जीवन में बढ़ाइए, ऑफिस में, घर में, उन सारी चीज़ों को वृद्धि करिए। जो चीज़ें विपत में आ रही हैं, प्रत्यय में, वध में आ रही हैं, उन नक्षत्रों का आकलन कर लीजिए, उन नक्षत्रों की चीज़ों को खुद से दूर रखिए। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं।